उमेश जी एक चार्ट देखिए, JTKT, JTEKT। ATEKT, हाँ जी, ये तो कुछ NSE में है ही नहीं। नहीं नहीं सर, है जे ATEKT इंडिया है। ये BSE का शेयर है, मैं देख लो, BSE में नहीं देख सर, लेता हूँ। हाँ NSE में भी है वैसे, 136 रुपए के आसपास का भाव है जी, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। 136 रुपये 20 पैसे के आसपास है। एक्चुअल में इसमें जो पहले जी। सेलिंग सेल आया था बाजार में, वो शूटिंग स्टार पैटर्न की वजह से आया था, ये मैं वीकली चार्ट में देख के बता रहा हूँ। और अगर मैं इसका थोड़ा सा वर्ली चार्ट देखूँ तो यहाँ पे बजार जो है अपने सपोर्ट को इसने जस्ट अभी ब्रेक ही किया है, और ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है। अगर ये 136 के नीचे जाता है, अभी 136.90 चल रहा है, 136 रुपए के नीचे जाता है तो फिर इसमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट जो इसका जो लेवल है वो 131 के आसपास का है, तो मेरे हिसाब से अगर 136 के नीचे जाता है तो इसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। बाकी अगर आप बाइंग करना चाहें तो बाइंग का जो लेवल बनता है वो 138 के ऊपर ही बनता है। अगर 138 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें बाइंग देखने को मिलेगी, और वहां से 144 का टारगेट देखने को मिलेगा। दोनों लेवल है, 136 के नीचे जाता है ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग इनिशिएट होगी इसमें, और 138 के ऊपर इसमें बाइंग इनिशिएट होगी। तो इन दोनों लेवल के अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अपना ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर ऊपरी लेवल से है मेरे पास 160 के आसपास तो सर उसमें अगर मैं बात करूं तो अगर 160 रुपये के आसपास आए तो मेरे हिसाब से 145 रुपये का जो इसका लेवल है, मैं मंथली चार्ट इसका देख के बता रहा हूँ, या फिर मैं जी। वीकली चार्ट भी देखूंगा इसका, तो 130 यहाँ से 145 के आसपास का लेवल है, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो ये आपका जो 160 वाला लेवल है वो भी आपका अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये 167 का इसने हाई बनाया था, फिर शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद इसमें सेलिंग देखने को मिली। बट 145 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर ये 160 नहीं जाएगा, 178, 180, 190 का लेवल भी इसमें अचीव हो सकता है। जी, तो ये है व्यू JTE KT इंडिया का।